अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स सो आज जो हमारा टॉपिक है दैट्स द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन बट बिफोर दैट विल डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ़ न्यूरॉन इससे पहले मैं जो ऑलरेडी कुछ रिकैप्चुलेट करना चाहता हूँ जो ऑलरेडी हमने पढ़ा है दैट वाज अबाउट द नर्वस टिश्यू तो मैंने आपसे ये कहा था कि नर्वस टिश्यू द फंक्शन ऑफ़ द नर्वस टिश्यू इज दैट

we're just finding that this nervous tissue is present in both in case of unicellular organisms and in case of multicellular organisms so unicellular organism nervous oh, oh, tissue hota, it's a least complex okay to we have uh, unicellular microorganism uh, agar hum baat karte, baaki, it also responds to environment it also responds to stimuli so वेदर इट मूव अवे फ्राम इट और इट मूव टूवर्ड्स द स्टूम्बले सो मैंने कहा था स्टूमले वट्स द स्टूम्बले अगर आपको याद होगा कि स्टूमले इज एनी चेंज दैट टेकिंग प्लेस इन एन इन्वायरमेंट टू बिच एन ऑर्गेनिज्म रिएक्ट सो ऑर्गेनिज्म एक मल्टीसुलर भी हो सकता है यूनिसलर भी हो सकता है ठीक है तो एक ऑर्गेनिज्म जो एक रिएक्ट uh, करता है उस रिस्पॉन्स को तो उससे हम कहते हैं दैट इस टू बी कॉल्ड एज उस रिएक्ट करता उस टुमले दैटइज टू बी कॉल्ड एज रेस्पॉन्स ठीक है तो मैंने कहा था ये पॉजिटिव भी हो सकता है लाइक इन हायर एनिमल्स इन केस ऑफ हायर एनिमल्स एन ऑर्गेनिज्म कैन आइदर मूव टूवर्ड्स इट और इट कैन मूव अवे फ्रॉम इट गॉट इट तो एक लवर ऑर्गेनिज्म में भी ऐसे ही होता है आइदर इट कैन मूव और इट कैन मूव अवे फ्रॉम इट और इट कैन मूव टर्ड्स इट तो लेकिन यहाँ पे एक बात करते हैं लावर ऑर्गेनिज्म में हम यहाँ पे रेस्पॉन्स नहीं एक दूसरा नाम देते हैं देट्स एज टैक्सिस टी एक्स आई एस इट्स अ टैक्सिस इन केस ऑफ लवर ऑर्गेनिज्म द रेस्पॉन्स आई मीन से देट द रियक्शन द रिएक्शन टू विच एन ऑर्गेनिज्म रिएक्ट और रिएक्शन अ प्रॉपर रिएक्शन To the stumle, it's to be called over uh, in lower unicellular living organism, it is to be called as taxis. So, इसी तरह organism move towards the uh, stumle, then it's to be called as positive taxis. If it's moving away from it, then it's to be called as a neg negative taxis. Okay. Now, but as the development of organisms takes place as the evolution एवल्यूशन to occur in the organisms. जैसे जैसे evolution हुआ तो complexity of organism बढ़ गई उनका structure भी बढ़ गया उनका morphology भी बढ़ गया उनका फिजोलॉजी uh, भी बढ़ गया तो इसी तरह से उनका जो नर्वस uh, सिस्टम है नर्वस टिश्यू है वो भी विद द पैसेज ऑफ टाइम विद द पैसेज ऑफ टाइम विद with विद टाइम विद the टाइम इनका within, within जो uh, नर्वस टिशू है या हम जिसे कहते हैं कि कंपोनेंट्स ऑफ नर्वस टिशू हैं उन्होंने भी वो भी डेवलप हो गई ओके okay? तो तो डेवलपमेंट जब डेवलपमेंट हो गई तो इन टोटल हम ये कहेंगे कि जैसे इवोल्यूशन हुआ लिविंग ऑर्गेनजम्स में तो विद द पैसेज ऑफ टाइम ऑर्गनज का जो डेवलपमेंट है इट इट ऑल्सो

Different things just to cater the information about the changes in an external environment. So what's uh, chan, the change that take place in external environment? Just say external environment ke, if you are agar aap touch karte ho, kisi hot object ko, to ye bhi aap, uh you perceive that the object is hot. You can see object ko touch karte ho and you feel the cold. What makes you to perceive it's a cold or its touch? What makes you to perceive that something is Something pricks you, so this is the nervous tissue. This is the nervous system that makes you to realize that something has something pricks you. That makes to realize that object is hot. That makes to realize that object is cold. That makes to realize the different changes that are taking place outside the body. So this is to be called as external environment. So is external environment say. ठीक है इस एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की इन्फॉर्मेशन और इसकी चेंज जो हैं इंटरनल इन्वायरमेंट तक लेना इंटरनल एनवायरनमेंट मीन्स दैट इंटरनल सेल्स तक ले जाना तो एक हो गई उसके बाद उस इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफर करना फ्रॉम इन्फॉर्मेशन को ट्रांस ट्रांसफ़र करना टू द इंटरनल सेल्स तक तो एक्सटर्नल इन्वामेंट से इंटरनल इन्वामेंट तक तो उसके बाद वो इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज हो जाती हैं बिटवीन द सेल्स विद इन द बॉडी बिटवीन द सेल्स विद इन द बॉडी सो दिस इज द फंक्शन हम ये कहेंगे फर्स्ट इज कैटरिंग इंफॉमेशन टू गैदरिंग द इन्फॉर्मेशन फ्राम एक्सटर्नल इन्वायरमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म दैन ट्रांसफर दैट इन्फॉर्मेशन टू द सेल्स दैन एक्सचेंज ऑफ दैट इंफॉर्मेशन विद इन द सेल्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज़ टू बी द फ्क्शन इज़ द फंक्शन ऑफ द नर्वस टिश्यू गॉट इट तो लेकिन तो मैंने कहा कि नर्वस टिशू होता है टू रेस्पॉन्ड टू स्टुबले टू रेस्पॉन् टू स्टुबले लेकिन ये टू रेस्पॉन्टुमले अगर अलग है एनिमल्स uh, में इन दैट केस ऑफ दैट ऑफ द प्लांट्स अगर हम बात करते हैं ह्यूमस में एनिमल्स की बात करते हैं इस्पेशली हम ह्यूमस की बात करते हैं तो वहाँ में वहाँ पर दो टाइप के सिस्टम्स मिलते हैं एक तो नर्वस सिस्टम मिलता है और दूसरा मिलता है इंडोक्राइन सिस्टम नर्वस सिस्टम एंड इंडोक्राइन सिस्टम जैसे नर्वस टिशू की बात करते हैं तो मैंने कहा नर्वस टिशू इज अ कम्प्लेक्स टिशू दैट्स पैकेड विद द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ सेल्स एंड दिज कंपोनेंट ऑफ सेल्स आर टू बी कॉल्ड एज न्यूरो इन्हें हम न्यूरो कहते हैं नर्वस सेल्स ठीक और इनका काम क्या होता है न्यूरान्स और नर्वस सेल्स का और नर्वस टिशू का काम क्या होता है जस्ट टू मैसेज जस्ट टू ट्रांसमिट द इंफॉर्मेशन विद इन द बॉडी सो टू ट्रांसमिट द

तो ये एक काम होता है कि मैसेज को ट्रांसमिट करना विद इन द बॉडी और फ्रॉम द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट टू द इंटरनल और टू द इंटरनल सेल्स और बिटवीन द सेल्स और फ्रॉम फ्रॉम द डिफरेंट इन्वायरमेंट्स और विद इन द डिफरेंट ग्लैंड विद इन द डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द बॉडी ठीक लेकिन इसी रिलेटेड हमें दूसरा सिस्टम है उसको हम बोलते हैं इंडोक्राइन सिस्टम तो सुनो इंडोक्राइन सिस्टम जो होता है ये भी रिलेटेड काम इसको काम करने वाला नर्वस टिश्यू है काम करने कर, करवाने वाला नर्वस टिश्यू ही है लेकिन इसका अपना एक आ, अपने एक ऑर्गन हैं अपना एक अपना एक अपने एक कंपोनेंट्स हैं ओके जो कंपोनेंट्स मिलके बनाता है इंडोक्राइन सिस्टम ये मैं लेटर टॉपिक्स में लेटर, में लेटर आ, जो आपके लेटर टॉपिक्स हैं या जो लेटर आ, कमिंग जो टॉपिक्स हैं इवेंट्स हैं उनमें मैं ये डिस्कस करूँगा तो यहाँ पे हम आज जो स्टार्ट कर रहे हैं दैट्स अबाउट द नर्वस टिशू तो एंडोक्राइन सिस्टम मैंने कहा एंडोक्राइन सिस्टम में थोड़ा बहुत बताता जाऊँ कि एंडोक्राइन सिस्टम में आ जाते हैं इंडोक्राइन ग्लैंड्स ठीक है तो डिटेल में बताऊंगा व्हाट आर इंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडोक्राइन ग्लैंड्स जैसे मैं बता रहा हूँ यहाँ पे इंडोक्राइन जैसे नर्वस टिश्यू में आपका ब्रेन आता है आपका स्पाइनल हमारा स्पाइनल कॉर्ड आता है हमारा ब्रेन आता है और डिफरेंट टाइप्स ऑफ नर्व्स आते हैं लेकिन जो हमारा इंडोक्राइन सिस्टम है इस इंडोक्राइन सिस्टम में इंडोक्राइन ग्लैंड आते हैं जैसे आपका एड्रिनल ग्लैंड है जो किडनी के ऊपर आपको मिलता है ठीक है जैसे आपको आ, आपका आ, ये थायमस ग्लैंड है जैसे आपका पिच छुड़ी ग्लैंड है जैसे आपका एज हाइपोथेलमस ग्लैंड है जैसे हमारा पीनल ग्लैंड्स है ठीक है ये सारे जो ग्लैंड है दे आर टू बी कॉल्ड एज इंडोक्राइन ग्लैंड तो इन कमिंग टॉपिक व्हाट्स इंडोक्राइन ग्लैंड व्हाट्स एक्सोक्राइन ग्लैंड व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्लैंड एंड व्हाट आर फंक्शंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्लैंड ये मैं कमिंग लेक्चर्स में, में बताऊंगा लेकिन आज जो हम पढ़ रहे हैं नर्वस टिश्यू और नर्वस टिश्यू में हम जो पढ़ेंगे नाउ इट इज़ द मैंने कहा कि नर्वस टिश्यू इट्स मेड अप ऑफ द इट्स इट्स दैकड विद द बेसिक फंडामेंटल द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ नर्वस टिश्यू उस स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ नर्वस टिश्यू को बोलते हैं न्यूरॉन्स न्यूरॉन ठीक है न्यूरॉन सो so, हम ये कहेंगे कि न्यूरॉन इज द बेसिक द फंडामेंटल द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम जैसे हम किसी चीज़ का बताते हैं सेल इज़ द बेसिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ जैसे हम बताते हैं हाइफी इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ फंच के हाइफी है इसी तरह हम न्यूरॉन को बोलते हैं इट इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ द नर्वस टिश्यू तो न्यूरॉन और इसको नर्व सेल भी बोलते हैं चलिए तो मैंने कहा कि हमारा जो नर्वस टिश्यू है ये पैक पैकेडली सेल्स उनको न्यूरॉन्स बोलते हैं तो ये न्यूरॉन्स आपको कहाँ पे मिलेंगे विल फाइंड इट इन द ब्रेन इन द स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स सो so, neurons आर specialized सेल्स एंड वट इज़ देयर फंक्शन ये भी अभी मैंने बताया कि दे कैरी द दे कैरी द इम्पल्स दे कैरी द दे ट्रांसमिट द इम्पल्स propagate प्रोपोगेटिव एलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल ठीक है ये काम है neurons का तो अब मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट जो पढ़ाने जा रहा हूँ दैट्स अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूरान ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है हर साल आपसे पूछा जाता है मार्क्स का कोश्चन आता है कि व्हाट राइट right द स्ट्रक्चर ऑफ़ द न्यूर या डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूरान लेकिन एक बात याद रखिएगा कि जब वहाँ पे स्ट्रक्चर बनाना हो तो डायग्रामिक रिप्रेजेंटेशन जरूरी तो आपको डायग्राम जरूरी बनानी है स्ट्रक्चर के लिए तो मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन पढ़ाऊँगा तो देखिए जब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरान की तो हमारे पास एक न्यूरान है एक स्ट्रक्चरल यूनिट है एक फंडामेंटल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ नर्वस टिशू है तो इस नर्वस टिशू के जो बेसिक स्ट्रक्चर जो हम पढ़ते हैं दैट्स अबाउट इट इट्स पार्ट तो तीन पार्ट है इसका पहला पार्ट जिसको सेल बॉडी कहते हैं या साइटॉन कहते हैं दूसरा पार्ट जिसका है डेंड्राइट कहते हैं ठीक है सेल बॉडी डेंड्राइट एंड थर्ड पार्ट जो है दैट इज द एग्जॉन दैटॉन ओके थर्ड पार्ट दैट्स एग्जॉन तो बात करते हैं ये है डायग्रामिक रिप्रेजेंटेशन अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूरॉन अब सुनिए मेरी बात Uh, just listen to me i will discuss the different parts of it so let me discuss the first part of it that is this one not that's this one it is to be called as the cyton this is called cyton or soma or cell body aap cyton kaho aap soma kaho cell body kaho either you just you either called it cell body you called it soma or you called it cell body soma or cyton okay so what about this it is a broad periform broad okay it's a broad periform part of neuron periform part of neuron it's having like this you'll find it you'll find it in this structure like this तो आपको ये नज़र आ रहा है इट्स हैविंग द पेरीफॉर्म स्ट्रक्चर एंड दिस इज पेरीफॉम स्ट्रक्चर पेरीफॉर्म पार्ट ऑफ द न्यूरॉन एंड इसके अंदर आपको मिलेगा द सेल बॉडी और साइटोन ऑफ द न्यूरॉन कंसिस ऑफ द प्लाज्म इट कंसिस्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म ओके इट्स हैविंग द एबडेंट साइटोप्लाज्म एंड दैट साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड एज न्यूरोप्लाज्म देखिये मैंने पहले कहा कि इट्स द वाइडर पार्ट ऑफ न्यूरॉन हैविंग पेरीफारम इट्स अ वाइडर पार्ट या फिर से ये भी कह सकते हो इट्स अ ब्रॉड ओके इट्स अ ब्रॉड राउंड पेरीफॉर्म स्ट्रक्चर ब्रॉड राउंड पेरीफार्म स्ट्रक्चर विद एबडेंट साइटोप्लम द ऑफ इट इज टू बी कॉल्ड एज न्यूरोप्लम गॉट इट बिसाइड्स हेयर इट कंसिट्स ऑफ द न्यूक्लियस न्यूक्लियस जो आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे न्यूक्लियस इट कंस ऑफ द न्यूक्लियस एंड द साइटोप्लाज्म ऑफ द साइटोन साइटॉन्स ऑफ द डिफरेंट सेल ऑर्गेनाइज़ लाइक इसके साइटोप्लाजम में आपको जैसे आप न्यूरोप्लाज्म कहते हैं यहाँ पे आपको मिलेगा माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पे आपको मिलेगा गोल्गी एपरेट्स यहाँ पे आपको मिलेगा न्यूरोफाइब्रल्स यहाँ पर आपको मिलेगा न्यूरोटिब्यूल्स और मिलेंगे द स्पेशल फीचर द स्ट्रक्चर्स दैट आर ऑनली द करेक्ट्रिस्टिक फीचर ऑफ द न्यूरॉन्स, दे आर कॉल्ड एज नेसल, एन आर एस एस नस्ल ओके तो मैं क्या बता रहा हूँ कि यहाँ पे क्या कौन सी स्ट्रक्चर्स आपको मिलेगा इस सेल बॉडी में आपको मिलेंगे एपरेट्स माइटोकॉन्ड्रिया एपरेट्स माइटोकॉन्ड्रिया ओके देन न्यूरो फाइबर्स ओके न्यूरो फाइबर्स Neurofibrils and also the Neurotubules. Neurotubules. So besides an important, uh, an organelle that are uh, subcellular organelles that are present in the cyton, that are present in the neuroplasm of the cyton, they are to be called as nasal granules. Okay. They are to be called as nasal granules. Now, I granules, kya? Net, granules jo hai, they are actually the combinations of rough endoplasmic reticulum. रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम एंड रैबोजोम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम एंड रेबोजोमज सो दिज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम एंड राइबोजोम दे आर एक्ली द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथिस ओके दे आर एक्ली द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथिस तो आप ये याद रखिएगा कि वट अबाउट द फंक्शन ऑफ द nasal granules so they are actually the site of protein synthesis within the cyton of the cell with the cyton of the cell ठीक they are present within the cyton of the cell तो अब मेन काम क्या है सेल बॉडी का व्हाट्स अ फंक्शन ऑफ द सेल बॉडी तो साइटोन का सेल सेल बॉडी का फंक्शन क्या है व्हाट्स अ फंक्शन ऑफ दिस सेल बॉडी और साइटोन इसका आई मीन से दैट व्हाट्स अ फंक्शन ऑफ इट इसका काम क्या है किसके अंदर इसका काम क्या है न्यूरान के अंदर तो न्यूरान का ये काम कि ये काम करता है ये इट्स रिलेटेड विद डेट ऑफ द मेटाबॉलिक मैंटेनेस एंड ग्रोथ ऑफ द न्यूरान सो वाट्स अ फंक्शन ऑफ इट फंक्शन ऑफ इट इट कैरीज अ इम्पोर्टेंट फंक्शन लाइक इट्स रिलेटेड विद दैट ऑफ द ओके

राइज होते हैं शॉर्ट टैपरिंग ओके टेपरिंग ब्रांचड साइटो प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेस दिज प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेस डेट एराइज आउट या स्ट्रेच आउट फ्राम द सेल बॉडी दे आर टू बी कॉल्ड एज डेंड्राइड्स दिज वन डेंड्राइड्स सो दीज डेंड्राइड्स They arise from the cell body. Okay, they arise from the cell body. And what about the dendrites? These are short, tapering, short, tapering, much branched. They came much they are they are short tapering much branched structures that stretches out that stretches out from the cell body. And these structures are to be called as neurons. Oh, sorry, they are to be called as dendrites. एक जहाँ अराइज होता है यहाँ से तो इसको बोलते हैं डेंड्रॉन डेंड्रॉन इज अ सिंगुलर और जब ये स्ट्रेच आउट हो जाता है तो इसके ब्रांच हो जाते हैं बहुत सारे ब्रांच होते हैं दे आर टू बी कॉल्ड एज डेंड्राइड्स एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस डेंड्राइड दिस डेंड्राइडस रिसीव द इन्फॉर्मेज दे रिसीव इन्फॉर्मेश आइदर दे रिसीव इन्फॉर्मेश फ्रॉम द डिफरेंट न्यूरॉन्स एंड सेंड दिस मैसेज और दिस इंफॉर्मेशन टू द सेल बॉडी

Exon is the long uniform. It's a long uniform. So exon, exon is a long cylindrical processes of uniform diameter arises from the exon hillock cyton So it arises from the exon hillock on. So it shows the fine branch at the terminal. Each branch ends at the swollen structure called a synoptic knob or button. So what's an axon? What's exon actually? It is actually the cytoplasmic process. The cytoplasmic process that arises it's a uniform long uniform long structure of uniform diameter. This one that arises from the cell body, Yahan se cell body se arise hota hai. from the structure it is to be called as axon hillock ok it is to be called as axon hillock it comes out the axon comes out from the cyton from a cyton through a structure that should be called as axon hillock now this is to be called as axon this axon at end bifurcates into many branches ट इन टू मनी ब्रांचेसो देखिये एग्जाम एंड जो होता है इट हो बा में बहुत सारे पार्ट में इन्हें आप टर्मनल ब्रांच भी कहते हैं या आप इन्हें ये भी कहते हैं आल्सो टू बी कॉल्ड एज टर्मिनल आरबोराइजेशन हो गया जैसे जैसे बात करते हैं आ, हर सेल का मेम्ब्रेन होता है तो इस न्यूरॉन इस एग्जॉन का भी अपना मेम्ब्रेन होता है तो इस मेम्ब्रेन ऑफ एग्जॉन को कहते हैं इट इज कॉल्ड एज एग्जोलीमा एग्जोलीमा इट्स कॉल्ड एज एग्जोलीमा ओके तो मैं बात करता हूँ कि जैसे एग्जॉन के ऊपर जो मेम्बर मेम्ब्रेन membrane होता है द मेम्बरेन इट्स कवर्ड विद द मेब्रेन द मेम्बरेन इज कॉल्ड एग्जोलीमा और इसके अंदर भी आपको साइटोप्लाज्म मिलेगा तो दैट साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड एज एक्सोप्लाज्म। एक्सोप्लाज्म। बट वन थिंग ओवर हियर जैसे न्यूरोप्लाज्म में आपको नेसल ग्रेनुल्स मिलेंगे यहां पे आपको नेसल ग्रेन्युल्स नहीं मिलेंगे सो एक्सोप्लाज्म इट लैक्स या इट शोज द एब्सेंस ऑफ नेसल ग्रेन्यूल्स गॉट इट तो हो गया एक्सोलिमा। तो एक्जोलीमा के ऊपर एक और लेयरिंग होती है ठीक है एक और लेयरिंग होती है एक और लेयरिंग होती है एक्सोलीमा के ऊपर उस लेयरिंग को बोलते हैं न्यूरोलीमा दैट्स टू बी कॉल्ड एज न्यूरोलीमा इट्स टू बी कॉल्ड एज न्यूरोलीमा सो न्यूरोलीमा इज अ लेयर ऑफ मेड अप ऑफ शिवन सेल्स दैट्स दैट्स फाइंड और दैट इज़ प्रज़ेंट ओवर द एग्ज़ोलीमा तो बहुत सारे न्यूरॉन्स होते हैं जिनके ऊपर जिनके एग्जॉन के ऊपर या आप ये भी कह सकते हो जिनके एग्ज़ो के ऊपर एक और कवरिंग पाई जाती है उसे कहते हैं माइलिन या माइलिन शीत माइलिन की कवरिंग या उसे माइलिन शीत भी कहते हैं माइलिन कवरिंग तो याद रखिए जिस न्यूरान के एग्जान के ऊपर जिस न्यूरॉन के एग्जान के ऊपर मालिनशीद होगा उसे कहते हैं माइलिनेटेड न्यूरॉन, ठीक जिस न्यूरॉन के एग्जान के ऊपर माइलिन नहीं होगा उसे कहते हैं नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन। सो द पार्ट आई मीन से दैट एग्जान द एग्जान वायर द न्यूरॉन वायर द एग्जान इज एक्सटर्नली इंसोलेटेड Are externally uh, covered with an ex within with an with an, with an insulating layer, that's called myelin. And if it's present in the axon of the neuron, it's to be called as myelinated neuron. But if the axon is lacking an external covering, that's to be called as myelin. That neuron is to be called as non-myelinated neuron. Okay, so. मैंने कहा ये जो मायलिन होता है ये मतलब इट्स इट फॉर्म्स नोड्स एट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स ऑफ द एग्जाम इट फॉर्म्स ए नोड्स एंड दिस नोड्स आर टू बी कॉल्ड एज नोड ऑफ रनिवर ठीक है दे आर टू बी कॉल्ड एज नोड ऑफ रनिवर नोड ऑफ रनिवर तो ये था अबाउट द स्ट्रक्चर अबाउट द स्ट्रक्चर लेकिन मैंने यहाँ पे कंप्लीट नहीं किया अभी मुझे इसके टर्मल आर्गोराइजेशन भी बताने तो कमिंग लेक्चर में मैं एग्ज़ाम को थोड़ा बहुत और डिस्क्राइब करूँगा और इसके जो पार्ट हैं एंड पार्ट दैट इज़ टर्मल आर्गोराइजेशन वहाँ पर मैं आपको बताऊँगा वट साइनाप्टिक नाव वट इज़ पोस्ट साइनाप्टिक Presynoptic, now what's post synoptic depression, and what about the synapses? And these things are these uh, things I will discuss in the future lecture. Thank you. In the coming lecture, rather.